आइए फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक पेशेंट के स्टडी के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। एक लड़की मेरे पास मिलाई, करीब करीब 30 साल की लड़की है। उसकी एंगेजमेंट हुई एक लड़के के साथ में। लड़का फार्मर है, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, अच्छे घर के लोग हैं, खेती बाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। और एंगेजमेंट हो गई, कपड़े कपड़ा खरीद लिया दोनों पार्टी ने। अभी डेट नज़दीकी पकड़ना है, आने वाली डेट जल्दी तय करना है और फिक्स करने का है। ये सब होने के बाद में ये लड़की बोलती है कि मुझे वो लड़के से शादी करनी नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मेरे को शादी करना नहीं, मैं खुश नहीं रहूँगी इसके साथ में। अभी हुआ क्या है? तो नहीं, मैं तो पहले से ही ऐसा बोल रही थी कि मेरे को लड़का नहीं चाहिए, मेरे को लड़का पसंद नहीं है ये, मगर आपने फोर्स किया, आपने बताया कि भाई आपको इसको इसके अच्छे इससे अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा, तो आपने मुझे फोर्स कर लिया, आपने मुझे कुछ कुछ बता दिया तो मैंने फिर हाँ कह दिया। और फिर अभी मुझे लगता है कि मैं इसको खुश नहीं कर सकूँगी, मैं इसके साथ में सेक्स लाइफ भी ठीक नहीं कर सकूँगी, मुझे कोई अट्रैक्शन ही नहीं है उसके तरफ। और फिर ऐसा जीना भी क्या जीना हो जाएगा, ऐसा शादी करना भी गलत है, उनको फंसाना होगा, और अभी शादी तोड़ दो। जब उसको मेरे पास में लाया, बोले देखो इसको हिप्नोटाइज़ करो, और हिप्नोटाइज़ करके उसके दिमाग का भी जो है ना वो निकालो, ये लड़के के बारे में दिमाग में क्या बैठा है वो निकालो। इसलिए वो लड़के को मेरे पास में लाया, उसको मैंने हिप्नोटाइज़ किया। हिप्नोटाइज़ करने के बाद में उसने वो हिप्नोटिक स्टेट में, हिप्नोटिक ट्रांस में उसने बोलना चालू किया। बोलना ये था कि भाई जब से थोड़ी से ये मतलब बड़ी हो गई, उम्र में आ गई 16-17 साल की, तो उनके घर के पास में एक उनके पिताजी के माने में भाई थे, और उनका जो लड़का था उसके साथ में वो पढ़ाई करती थी, उसको बहुत चाहती थी, मगर पहले से दिमाग में ये था कि नहीं ये मेरा भाई है, भले ही सगा भाई नहीं था, ये मेरा भाई है। और वो भाई करके उसको ट्रीट करती थी, बहन भाई करके रहते थे घर में आना जाना, मगर उसको ये मालूम नहीं पड़ा कि उसके साथ में उसने प्यार करना कब चालू किया। धीरे धीरे प्यार भी चालू हो गया उसका, और प्यार में उसने लड़के ने पूछ लिया कि क्या तू मेरे से शादी कर सकती है, तो बोले नहीं, मैं तेरी बहन लगती हूँ, घर में अपने इतने अच्छे संबंध हैं, तेरे पिताजी मेरे पिताजी को भाई मानते हैं, हम दोनों भाई हैं कज़िन, तो फिर शादी कैसे कर सकेंगे, तो होना ही नहीं है। और फिर उसने वो छोड़ दिया, वो बोलना ही छोड़ दिया। उसके दिमाग के ऊपर असर हो गया ये घटना हुई, तो उसने ट्रीटमेंट लिया। अभी वो उसके दिमाग में था कि नहीं, यदि वो मेरा भाई नहीं रहता था तो मैं शादी करती थी, वो लड़का अच्छा है, मैं उसको कितना चाहती थी, वो मुझे चाहता था, ऐसा दिमाग में था, मगर अभी वो शादी होती नहीं है करके वो बंद हो गया टॉपिक। अभी उसको लड़के ला रहे, अब अभी तक कम से कम 8 से 10 लड़के उसको बताए, कभी लड़कों ने उसको नकारा, नहीं बोला कि नहीं पसंद लड़की नहीं है, कभी लड़की ने इसने लड़कों को पसंद नहीं किया, बोले इसमें ऐसी कमियाँ हैं, उसमें ऐसी कमियाँ हैं, और वो पसंद नहीं करती थी। अभी एक बार इसको भी पसंद नहीं किया, मगर अभी घर के लोगों ने बहुत प्रेशर किया तो उसने इसको पसंद कर दिया। जब उसने हिप्नोटाइज़ किया तो उसमें उसने सब कबूल कर लिया कि मेरा अभी भी वो लड़के के साथ में प्यार है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यदि मिल गया और उसने यदि हाँ बोला तो मैं शादी करूँगी, मगर घर के लोग शादी करने को तैयार नहीं, बोलते नहीं वो तेरा भाई है और तू शादी नहीं कर सकती। फिर मैंने बोला कि देखो एक्चुअली सगा तो भाई है नहीं, माना हुआ भाई है, तू फिर से क्यों नहीं ट्राई करती, फिर से ट्राई कर सकते हैं, फिर से बात छेड़ सकते हैं, पिताजी के साथ में बात करो, माँ बाप के साथ में बात करो, देखो क्या संभव है, हो सकता है कि वो लड़का भी शादीशुदा, मतलब उसकी शादी हुई नहीं है, वो भी हाँ बोलेगा और आपका जीवन अच्छा हो जाए। मगर अभी माँ बाप जो है उनको अभी फेस सेविंग का प्रॉब्लम हो गया। फेस सेविंग मतलब ऐसा हो गया कि समाज के लोग क्या बोलेंगे, इधर एंगेजमेंट करके रखी हुई है, लोग क्या बोलेंगे, माँ बाप उसको बोल रहे कि तूने अभी नकार दिया, ना बोल दिया तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे, लोगों को कैसा मुँह बताएंगे, तभी सब पूरा कन्फ्यूजन है। ये लड़की मेरे पास में आई कि भाई मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना, शादी माँ बाप के लिए अभी मैं करूँगी तो मेरे जीवन भर मैं दुखी रहूँगी, ये लड़के के साथ में मुझे करना ही नहीं है शादी, मुझे कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। अब वो बोलते कि नहीं तेरे को शादी कर, अब धीरे 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 अट्रैक्शन हो जाएगा, धीरे 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 तेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा और तू शादी कर ले, और नहीं हुआ तो फिर किसको मैं कहाँ जाऊँ, किसको पकड़ूँ, क्या करना। फिर ऐसे उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल है। अब वो मेरे पास में आए सोल्यूशन लेने के लिए। मैंने बोला मैं सोल्यूशन दूंगा नहीं, मेरा सोल्यूशन देने का काम नहीं है, मेरा काम है कि आपको ताकत देना, आपकी क्षमता बढ़ाना, ताकि आप आपके जीवन का निर्णय ले सकें।
करना आपने है अभी जो भी कुछ करना है, कि भाई फिर से जाके प्रपोज करना है वो लड़के को, फिर से बात छेड़नी है, माँ बाप को पटाने का है, माँ बाप को कन्विंस करने का है कि वो सगा भाई नहीं उसके साथ शादी कर सकते, वो करना है, इसको ना बोलने का है, जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको ना बोलने का है तो वो कर सकते हैं। अभी पोजीशन ऐसी नहीं है कि अभी ज़बरदस्ती शादी कर लो, कि अभी शादी ज़बरदस्ती कर लेंगी तो पक्का डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि मैं गलत जगह आ गई, मैं फंस गई, तो अभी शादी मत करो। देखते भी जितना टाल सकते उतना टालो मुहूर्त, है ना, शादी जो टालना है तो अभी दो चार महीने रोक दो लगे तो, अभी तोड़ना नहीं तभी भी, मतलब समझो अभी एंगेजमेंट तोड़ी नहीं तभी शादी अभी मत करना है, जब तक इसका दिमाग जो कन्फ्यूजन में है वो क्लियर नहीं होता तब। तो ऐसे सब चालू है ये, मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों के ऊपर फोर्स ना करो। आजकल ऐसा हो गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो बहुत पिछड़ी जाति का माना जाता है, पिछड़ा हुआ माना जाता है, कि नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मतलब वो कोई मॉडर्न लड़का लड़की नहीं है। बहुत ही कम ऐसे रहते हैं कि जो कभी लड़कियों के साथ में बात नहीं करते या लड़कियां लड़कों के साथ में बात नहीं करते। तो माँ बाप ने शादी पक्का करने के पहले ये देखना चाहिए कि भाई अपने लड़की का या लड़के का पहले कहीं अफेयर है क्या, उन्होंने पहले फिक्स करके रखा हुआ है क्या, वो कहीं प्यार तो नहीं करते हैं, वहाँ कोई अड़चन है क्या, वहाँ उनको क्या बोल रहे हैं। इधर क्या होता है कि इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डाल के कहीं तो भी अपनी इज्जत के लिए मैंने शब्द दे के रखा है इसलिए शादी करते, फिर ऐसा प्रॉब्लम सामने आ जाता है। और फिर अभी मुंह बचाने का है, फेस सेविंग करने का है, और वो नहीं किया तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा माँ बाप अभी बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन काफ़ी बार पैदा हो जाती है, ये टालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों की सुनो, बच्चों की दुनिया में जाओ, बच्चे क्या डील कर रहे हैं, एक जनरेशन गैप होती है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, अभी नए जनरेशन में वो क्या क्या बच्चे नहीं कर रहे। अभी तो मेरे पास में एक आया था लड़का, अभी वो दोनों रिलेशनशिप में है, शादी अभी नहीं करना चाहते हो, तो भी उनके दिमाग में क्या चालू है वो देखना पड़ेगा, और वहाँ से फिर ज़िंदगी कैसे जीना है वो तय करना पड़ेगा। ये वीडियो काफ़ी लोगों को आप शेयर करो ताकि लोगों काम में आएगा और अपने बच्चों के लिए माँ बाप कुछ ना कुछ तय कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।